मेरा लगता है शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को भेजेगा गाजा में हमास के लिए लड़ने के लिए। अच्छा है चुनाव का हवा। मैं छत्तीसगढ़ गया, राजस्थान गया, मध्य प्रदेश गया, मुझको काफ़ी अच्छा लगा। बीजेपी का कार्यकर्ता लोगों ने अच्छा काम कर रहे हैं ग्राउंड में और माहौल बहुत बढ़िया बन रहा है। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखिए मेरा नहीं लगता है जीत के लिए बहुत बड़ा समस्या है, हम आराम से जीत लेगा। डायनेस्टी पॉलिटिक्स को लेकर राहुल गांधी काफी एलिगेशन कर रहे हैं। देखो अभी राहुल गांधी का विड़म्बना ये है, खुद जेल से बेल लेगा और दूसरा को बोलेगा तुम चोर हो। आज खुद एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का आपने, आपका तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, आपने कोई जिला पंचायत में काम नहीं किया, ग्राम पंचायत में नाम काम नहीं किया, कॉलेज का चुनाव में नाम काम नहीं किया, आप यहाँ है अपना पिता और माता के लिए, और आप अगर दूसरा को बोलेगा कि आप डायनेस्ट हो मैं डायनेस्ट नहीं हूँ तो उसका बारे में क्या बोल सकता हूँ। लास्ट क्वेश्चन सर, इसराइल को लेकर शरद पवार ने जो बात रखी है, मेरा लगता है शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को भेजेगा गाजा में हमास के, से कम राहुल गांधी का दिमाग में आना चाहिए। खुद महापाप में डूबा हुआ है और अभी लोगों को भी वो पापी बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जैसे अपना वो खुद बेल में है और तमाम लोगों को बोलता है वो करप्ट है। ऐसा पॉलिटिशियन तो मैंने जीवन भर नहीं देखा और इतना घटिया काम कोई पॉलिटिशियन नहीं किया। खुद अपने आप एक फैमिली राज चलाता है, कांग्रेस पार्टी गांधी जी का पार्टी को प्रॉपर्टी बना दिया है और वो आप जाके बोलता है देखो दूसरा पार्टी में भी फैमिली राज है, मतलब क्या है? तुम छोड़ो ना, तुमको अगर फैमिली बाद अच्छा नहीं लगता है, परिवार बाद अच्छा नहीं लगता है। अच्छा है, देखिए मैं मध्य प्रदेश गया, राजस्थान गया, छत्तीसगढ़ किया, लगातार बीजेपी का तरफ लोगों का माइंड बन रहा है। मैं लास्ट एक महीना पहले छत्तीसगढ़ गया था, आज छत्तीसगढ़ गया, बहुत सारा डिफरेंस दिखाई देता है। गोई एक दिन तीनटा जगह गई थी बोले वो। एक सवाल है कि इंडिया गठबंधन बनाया गया था एनडीए के खिलाफ, लेकिन अब इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं बारी बारी से जो कभी विधानसभा चुनाव है अपने अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार बनाने की बात करें लेकिन आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ में भी कैंडिडेट खड़ी कर रही है, समाजवादी पार्टी ने खड़ा कर दिया, आपस में ही द्वंद हो रहा है। जैसे जब इंडी का गठबंधन बना हमें तो इसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, मीडिया का सेक्शन ने ही इसको इम्पोर्टेंस दिया। हम तो पहले जानता हूं कि भाई ये पावर के लिए इकट्ठा हो रहा है, थोड़े देश के लिए इकट्ठा हो रहा है, किसी का केरला में अपने अंदर में ही फाइट है फिर वो भी इंडी गठबंधन, कोई बंगाल में अपने आप को गाली देता है फिर बोलता है हम इंडी गठबंधन है, कोई पंजाब में अपने आप को गाली देता है फिर बोलता है इंडी गठबंधन है। ये इंडी गठबंधन ही एक धोखाबाज का गठबंधन है और लोगों को धोखा देने के लिए गठबंधन बना हुआ है, इसीलिए हम लोग बोलता है ये घमंडिया है। शरद पवार ने कहा है आज के प्रधानमंत्री ने जो स्टैंड लिया इजराइल की उसकी इन्होंने कंडेम किया। शरद पवार जी को क्या सही है, वो भी हमास का तरफ जाके लड़ना चाहते है क्या? अभी लोग में मैं तो कभी कभी यहाँ में देख रहा हूँ कि हमास भी अपना इजराइल को कंडेम नहीं कर रहा है जैसे हमारा इंडिया का कोई लोग हम इजराइल को अपना कंडेम कर रहा है। हमास भी मानते हैं कि हमने गड़बड़ी किया, हमास भी मानते हैं कि हमने बच्चा लोगों को उठाया महापाप किया, लेकिन हमारे इंडिया में कोई नेता का जन्म हुआ है वो अभी हमास को भी क्लीन स्लेट देने के लिए लगा हुआ है, मतलब तुष्टिकरण का सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता है। जिस प्रकार आप सोलो ना आपका सरकार जो है, चलो बाकी लोगों को पूछते हैं। सर, ऑपोजिशन एमपीज का कहना है कि वो हमास के खिलाफ पर्टिकुलरली नहीं बोलते क्योंकि वो देखिए कांग्रेस का सीडब्ल्यूसी का मीटिंग हुआ, उसमें डिबेट हुआ, सबने बोला कि इस समय हमास को कंडेम करना जरूरी है। राहुल गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बोला नहीं नहीं तेलंगाना का चुनाव है, हमें पैलेस्टाइन को सपोर्ट करना है। मैं एकदम आपको सीडब्ल्यूसी का अंदर का बात बोल रहा हूँ, तब जाके ये रिजोल्यूशन पास हुआ। आप देख सकता है वो सीडब्ल्यूसी का रिजोल्यूशन में
हमास का बारे में एक शब्द भी नहीं है। आप बैलेंस कर सकता था, बोल सकता था कि मैं हमास को भी कंडेम करता हूं, साथ में मैं इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन भी हो जाए, इसका जो इंडिया का स्टैंड है इसका बारे में भी मैं रिटरेट करता हूं। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट देखता है तो हमास का बारे में कुछ नहीं है। आज जो कसब का समय में कांग्रेस ने जो किया, जब कसब हमारा मुंबई में आया था, आप उल्टा हम भी कराची जा सकता था, वो समय तो हमने नहीं किया। लेकिन जब पठानकोट आया तो मोदी जी तो पाकिस्तान का अंदर चला गया। तो ऐसा ही बात है, आज टेररिज्म को काउंटर करने के लिए हमें कड़ा कदम उठाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस तुष्टीकरण का राजनीति का कारण टेररिज्म का खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है, हालांकि भारत खुद टेररिज्म का शिकार बना हुआ है। यह बहुत दुख की बात है। कम से कम जो पार्टी एक हमारा देश का सबसे पुराना पार्टी है, उनको हमास का टेररिज्म टेररिस्ट एक्टिविटी को खुल्लम खुल्ला कंडेम करना चाहिए था। साथ में आप वो भी बोलो कि मैं पैलेस्टाइन भी मांगता हूं, वो अलग बात है, लेकिन आप तो टेररिज्म को कंडेम करना चाहिए था। और तेलंगाना में हमें ओएसी का वोट बैंक लेना है, इसका कारण आप हमास का तरफ हो गया। मैं तो लगता है कोई राहुल गांधी जैसे यहाँ बाइक का एक चलाते रहता है, कोई दिन जाके गाजा स्ट्रीप में बाइक नहीं चलाता है। मेरा तो इतना उम्मीद है कोई दिन जाके वो वहां जाके ट्रैक्टर एक्टर में उठ लेगा कोई दिन। सर ओएसी जी ने ट्वीट किया कि वो एक मार्च रखेंगे और सारी पार्टीज को इनविटेशन जाएगा गाजा तक, जाएगा गाजा तक, गाजा में कि हैदराबाद का बिरयानी खा के। आपने मार्च रखेगा हैदराबाद में बिरयानी खा के, यहाँ वोट सेकने का काम करेगा। आपको इतना दम है तो जाओ गाजा में, ठीक है? तो यहाँ में आप क्या ड्रामा करते हो? आप अभी गूगल कीजिए, 21 में मैं अमित शाह जी को असम में बुलाया और ऐसे स्टेडियम में 1,00,000 युवाओं को मैंने बैठाया, गरीब घर का युवाओं को एक एक करके बुला के हर व्यक्ति का हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर उठा दिया, जाइए नौकरी कीजिए। जैसे हमने वादा किया हमने वादा पूरा किया। भाई और बहनों, बेरोजगारी भत्ता कितना दिन चलेगा? अब 50,000 लोगों को बेरोजगारी भत्ता देता है, जो छत्तीसगढ़ में 10-12 लाख युवाओं आज बेकार है, अनएम्प्लॉयड है। क्या आप ये नहीं कर सकता था 5 साल में कम से कम 3 लाख लोगों को, 3 लाख युवाओं को आप नौकरी दे सकता था? लेकिन आपने कोई युवाओं को नौकरी नहीं दिया। और जब पब्लिक सर्विस कमीशन में नौकरी निकाला, आपका कांग्रेस पार्टी का दलाल और ये पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर चेयरमैन मिलके ये सारा नौकरी बांट लिया। हमारा युवाओं का हाथ में कुछ नहीं आया, ऐसा सरकार हमें नहीं चाहिए। भाई और बहनों, हमने वादा किया था असम में, छोटा प्रदेश है, अगर हमारा सरकार बनेगा हमारा माताओं का खाता में हर महीना हम 1,250 रुपया डालूंगा माताओं का शिक्षा के लिए। असम आज हर महीना हमारा माताओं का अकाउंट में 1,250 रुपया डालते हैं। अभी मध्य प्रदेश शासन ने भी पैसा डालना शुरू कर दिया माताओं का सम्मान के लिए। लेकिन भूपेश बघेल जी ने माताओं को क्या दिया? दारू का दुकान दिया और कुछ नहीं दिया। दारू का दुकान खोल दिया गांव-गांव में कि भाई दुकान से चलो। कैसे चले? घर बर्बाद करने के लिए। आपने युवाओं को नौकरी नहीं दिया, माताओं का अकाउंट में कुछ नहीं डाला। और जब मोदी जी छत्तीसगढ़ से जब साउल खरीदता है, मोदी जी 2100 रुपया देता है, आप 600 रुपया देता है और आप एडवर्टाइज करता है और राजीव गांधी न्याय योजना। भैया भूपेश बघेल जी, इसका नाम है राजीव गांधी अन्याय योजना। ये न्याय योजना नहीं है, ये अन्याय योजना है।